हेलो फ्रेंड्स, आजकल के दौर में गर्भावस्था के दौरान जो उनको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जो कि पेट पर हो जाते हैं, जांघों पर हो जाते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि आखिर ये क्यों होता है, इसे बचने का क्या क्या उपाय है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। तो प्रेगनेंसी के दौरान 90% महिलाओं में जो पेट का निचला हिस्सा होता है, यानी जो टांगे होती हैं, जांगे होती हैं, उनमें स्ट्रेच मार्क्स बन जाती हैं। ये क्यों होता है? तो जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है, जो हमारे स्किन्स के अंदर मसल्स के फाइबर होते हैं वो टूट जाते हैं और इस कारण स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। ये बहुत आम है, यानी ये नॉर्मल सी बात है, इसे घबराना बिल्कुल नहीं है। पर ये स्ट्रेच मार्क्स कब ज़्यादा होते हैं? तो स्ट्रेच मार्क्स उन महिलाओं में ज़्यादा होते हैं जिनकी माताओं को या उनकी बहनों को कभी प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स हुए हो, या जिनका वज़न गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या जिनका वज़न काफ़ी जल्दी बढ़ा हो प्रेगनेंसी के दौरान। तो हैरानी की बात ये भी है कि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ये पतली महिलाओं में भी ज़्यादा हो जाता है, जिनका स्किन ड्राई होता है उनमें भी ये स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। पर आपको इसे घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है और ये 90% महिलाओं को ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है। अब हम लोग जान गए हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होना आम है और ये होंगे ज़रूर, पर इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे नुस्खे हैं या क्या क्या ऐसे प्रक्रिया है जिसको अपना करके हम स्ट्रेच मार्क्स को, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, उसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो पहला चीज़, प्रेगनेंसी में हर एक महिलाओं को यह कोशिश करना है कि अपने पेट को मॉइस्चराइज़र रखें, यानी अपने स्किन को सूखा ना होने दें। इसके लिए आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती हैं, मार्केट में काफ़ी सारे बायो ऑयल आते हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं, या विटामिन ई की क्रीम यूज़ कर सकती हैं, या एक हिमालय का स्ट्रेच मार्क्स क्रीम आता है ये भी आप यूज़ कर सकती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। दूसरा चीज़, पानी आपको काफ़ी ज़्यादा पीना है और साथ में संतुलित आहार भी काफ़ी ज़्यादा लेना है। तीसरा चीज़, आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, यानी जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, तले हुए चीज़ हैं वो आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान आपको हल्का हल्का एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी जो मसल्स हैं उसकी टोन बनी रहे और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ये होने की संभावना कम हो जाए। तो ये सब हमने बात की, पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स होना आम बात है, नॉर्मल चीज़ है, इसे हम रोक नहीं सकते पर इसे हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो कम कैसे होंगे? जो जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई ये आप अपना के स्ट्रेच मार्क्स को आप कम कर सकते हैं। तो ये सब बात थी स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, जो कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप अपना के स्ट्रेच मार्क्स को आप रोक सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। आप इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक महिलाएं इसके बारे में जान सके। अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।